साहब के आंकड़े झूठे हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। वहां पर शवों की कतार लगी है। शमशान में मौत भी मातम मना रही है। मैं 10 बजे से वेट कर रहा हूं, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया सर। हर जगह हाहाकार, शमशान में भी कतार। रोजाना 40-50 हजार आते हैं इतने तो। ना जिंदगी को सुकून है, ना मौत को आराम। सियाही आंकड़ों में जहां सब कुछ कंट्रोल में नजर आता है, वहीं तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 94 में। ये नोएडा सेक्टर 94 का शमशान घाट है जहां पर शवों को जलाया जाता है। इस बीच आपको बता दूं कि जैसा कि बीते 24 घंटों में बताया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में, माने नोएडा में, कुल 12 लाशें जो हैं, 12 शव जो हैं वो जलाए गए हैं, जो कि कोविड से संक्रमित थे। इसके साथ ही कुल जो टोल बताया जा रहा है वो 104 पहुँच चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पटल पर, ज़मीन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर शवों की कतार लगी है। यहाँ पर शव जो है वो लगातार जलाए जा रहे हैं। मैं जलाई शब्द का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी पूजा विधि, जो विधि विधान से जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, उस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में शव एक साथ लाए जा रहे हैं, लाइन लग रही है, टोकन बांटे जा रहे हैं, टोकन के बाद एक एक करके नंबर आ रहे हैं। इसके साथ ही जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि लकड़ियों के लिए भी मारामारी है, लकड़ियों के लिए भी यहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो जगह है जहाँ पर शवों को जो है वो जलाया जाता है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, लगातार एम्बुलेंस आती हुई नज़र आती हैं, एक के बाद एक एम्बुलेंस, कुछ कुछ मिनटों में यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही हैं। ये बताता है कि समस्या दरअसल ऐसी नहीं है जिसको आसानी से कंट्रोल में किया जा सके। चीज़ें जो हैं वो लगता है कि मानो कंट्रोल से बाहर जा चुकी हों, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं। ऐसे मौके पर इधर पर आकर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उन चीज़ों को असल में समझ पाते हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद हो, लखनऊ हो, यहाँ नोएडा 94 शमशान घाट हो, सरकारी आंकड़ों में बता दूं कि बीते 24 घंटों में हमको बताया गया है कि 12 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से, जिनको कि जलाया गया है। पूरे नोएडा के आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि, आपको बता दें, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतने शव तो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, बीते आधे आधे घंटे में कई शव आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ के प्रबंधक हैं, मुझको ये जानकारी दी गई कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो ऑफिशियल, जो ऑथोराइज पर्सन है जो बाइट देने के लिए, बताया गया कि उनकी तबीयत खुद ख़राब है और वो खुद घर पर इस समय कोविड से संक्रमित हैं, ऐसा बताया गया है। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी लोग थे, जो कैमरे के सामने कह रहे थे कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑथोराइज नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोजाना बीते कुछ दिनों से 40 से 50 कोविड संक्रमित शवों को जलाया जा रहा है। कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है उनको यहाँ जलाया जा रहा है, और ये आंकड़ा 40 से 50 है। तो ऐसे में तस्वीर कितनी भयावह है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन स्याही लिखे हुए आंकड़ों में, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें बताया गया है कि बीते 24 घंटों में 8 से लेकर 12 लोगों की मौत हुई और डेथ टोल जो है वो 104 से 114 पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो शवों की लगी हुई हैं, लगातार एक के बाद एक कुछ ही घंटों में यहां पर जो है वो शव लाए जा रहे हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, उनको और इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर यहाँ पर मालूम पड़ता है। लगातार एम्बुलेंस एक के बाद एक, एक के बाद एक एम्बुलेंस आए जा रही हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इतना ज़्यादा सजग नज़र नहीं आता यहाँ पर। मैं बात करूँगा, यहाँ पर जब हम पीछे बढ़ते हैं तो यह लकड़ियों वाला एरिया है जहाँ से लकड़ियाँ ली जाती हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे तो लकड़ियों के लिए भी मारामारी थी, लकड़ियों के लिए भी लड़ाई झगड़ा लगातार चल रहा था। यहाँ के जो हालात हैं वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका, कि लकड़ियों के लिए भी अब लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। ये जो जगह सामने दिख रही है, ये लकड़ियों से, शमशान घाटों में लकड़ियों से भरी लगी रहती थी, ऊपर ऊपर तक लकड़ियाँ नज़र आती थी। लेकिन आज फिलहाल हालात ये हैं कि यहाँ पर लकड़ियों के लिए भी मारामारी हो रही है। आप यहाँ लकड़ियाँ देखते हैं, ये बताइए क्या लकड़ियों के लिए भी संकट आ गया, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ तो है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। रोजाना कितने शवों को यहाँ पर जलाया जा रहा होगा भाई साहब? मेरी नंबर तो 112 है आज। 112 आज? हाँ जी, 112 नंबर है। 112 नंबर है, मैं सुबह 10 बजे से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप किसी के साथ आए हुए हैं, उनका 112 नंबर है? आंटी आई हुई है, मैं उनके डेड बॉडी लेके आया हुआ हूँ। सुबह
10 बजे से यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ 10 बजे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया सर। 10 बजे से वेट कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं आया, आप क्या कह रहे थे? जी When you go to some eating place, you tell them to make your own Sunday like. Here you make your own arti for your relative, for your next person. There's nobody, no administration to help you out. When the situation is like there and the whole government knows that it is bank, unka kya function disaster management kya hai? This is more than disaster. आप लोगों से कहा गया कि आप लोग खुद ही लकड़ियाँ लेकर खुद ही? It is our initiative to help these guys because they are now nincompoops. No one is here to help you. No, these are nincompoops. Most of the staff. Have you asked the authorities concerned? Most of the staff has run away from here. There were 10 people detained. Two are only here and they are also not helping out. No one is here to help you out. No one is here. Nobody is here to supervise also. Tell me who is the person who is telling? There is no slot at all. There is no slot, no pandit, no guidance. आप कितने बजे से यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग 11 बजे से हैं। 11 बजे से हैं। यहाँ टोकन सिस्टम चल रहा है? टोकन सिस्टम चल रहा है, टोकन सिस्टम के कोई सिस्टम नहीं है। तो हालात जो हैं वो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने ख़राब है। मैं लेकिन गाइड करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, टोकन दे दिया जाता है लेकिन ये गाइड करने वाला है, एक समझाया जाए कि ये चीज़ें तो गए कहाँ, जो शमशान घाट की जो देख रेख करते थे यहाँ पर वो बाकी लोग यहाँ पे स्टाफ खड़े हैं, नज़र नहीं आते। तो ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी नहीं है? ऐसा है कि हर किसी को जल्दी है सर, हमने पर्चियाँ चला रखे हैं, दो रेडी हैं, कोविड की पर्ची एक नॉन कोविड की पर्ची, एक बार एक रेडी कोविड की लकड़ी ले जा रही है उसकी सीरियल नंबर से। अब अगर कोई आदमी की पर्ची बाद में कटे हो कह रहा है मेरे पहले खुद ही लकड़ी उठा के ले जा रहे हैं तो बताओ हम क्या करें, लड़ने को आ रहे हैं बताइए। वैसे कोविड के कितने आ चुके हैं केस? कोविड के तो अब ऐसे तो नहीं मैं बताता, मेरे पास तो पर्ची है, ये वो तो वहाँ से रिकॉर्ड से पता चलेगा। खैर अंदाजा नहीं, लेकिन अंदाजे से बता सकते हैं कितने लोग? अंदाजे से 10-12 आए होंगे मेरे हिसाब से, 10-12। हाँ जी, रोजाना 40-50 आ जा रहे हैं तो। आते हैं इतने तो, 40-50 तो ठीक है, धन्यवाद। तो ये सिस्टम जी है, अब यहाँ पे लोगों को भी हमसे कोऑपरेट करना चाहिए ना। अब लोग जो है हमने पर्ची ले ली कि एक रेडी कोविड के लिए चलेगी एक नॉन कोविड के लिए चलेगी, दो ट्रॉलियाँ। आपका नाम क्या है? प्रदीप बोहरा। आप यहाँ क्या देखते हैं? मैं नोएडा लोक मंच से हूँ तो मैं यहाँ व्यवस्था देखने के लिए वॉलंटियर बनाया गया जी। मैं नोएडा, जैसे कि आप बता रहे हैं 40-50 आ रही, कितने दिनों से आ रही हैं इधर? तो 3-4 दिन से ज़्यादा लोड हुआ है, वैसे तो कम ही आती थी, 3-4 दिन से ज़्यादा लोड है। 3-4 दिन से 40-50, आज सुबह से 10-12 आ चुकी है ज़्यादा लोड है। हाँ इतने 8-10 आ चुकी हैं, 10-12। ये बताइएगा यहाँ पर पहले हालात ऐसे नहीं थे, जब हालात ऐसे हुए तब वॉलंटियर्स को रखा गया यहाँ पर मदद? नहीं, यहाँ पे लोग तो काम करते ही हैं, अभी हम लोग स्पेशल आए हैं क्योंकि यहाँ अव्यवस्था ना हो व्यवस्था देखने के लिए हम लोग स्पेशल आए हैं वहाँ। तो यहाँ देखिएगा जिस तरीके से जब अव्यवस्थाएँ बढ़ती चली गई क्योंकि एक साथ यहाँ पर विस्फोट हुआ है, एक साथ जब ज़्यादा सब आ गए तो ये जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएँ बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर पहले कम संख्या में जो शव आया करते थे जलने के लिए, यहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी वेव ने ऐसा विस्फोट किया है कि यहाँ पर शवों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि सरकारी आंकड़ों में जहाँ बताया गया कि बीते 24 घंटों में 8 से 12 शव लाए गए हैं और पूरा टोल ही 104 से लेकर 114 शवों का बताया गया है नोएडा में, तो ऐसे में ये चिंताजनक और गंभीर बात भी है कि जब यहाँ पर जब ज़मीन पर बात करते हैं, ऐसे ही गाज़ियाबाद में भी देखने को मिला, ऐसे ही लखनऊ में देखने को मिला कि सरकारें जो हैं वो आंकड़े छिपाने में लगातार मशगूल हैं। यहाँ पर भी जैसा कि बताया गया कि रोज़ाना 40 से 50 जो शव हैं कोविड संक्रमित उनको जलाया जा रहा है और आज सुबह से लेकर अभी तक दोपहर तक भी 10 से 12 शवों को जलाया जा चुका है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में क्या कहा जा रहा है कि 24 घंटों में कुल 8 से 12 शव जलाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई दरअसल कुछ और ही है। तो ऐसे में ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है, क्यों नहीं वो सच्चाई बता देती कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा भयावह और बहुत ज़्यादा डर लगने वाले बन चुके हैं। तो ऐसे में नोएडा सेक्टर 94 से कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविन चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।